यूपी 78 इंडिया न्यूज से ब्यूरो चीफ कुमार की खास खबर। उरई जालौन को नेहरू युवा केंद्र संगठन मुख्यालय एवं युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के निर्देशन में नेहरू युवा केंद्र जालौन तथा खेल विभाग जनपद जालौन के संयुक्त तत्वाधान में जनपद के इंदिरा स्टेडियम उरई में जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई। कार्यक्रम में विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं जो आयोजित की गई, जिसमें वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी तथा एथलेटिक्स की विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। विजेता प्रतिभागियों को शील्ड तथा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला युवा कल्याण अधिकारी श्री ब्रजेश कुमार जी रहे। अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन ममता स्वर्णकार द्वारा किया गया। इस अवसर पर जिला युवा अधिकारी श्री रवि दत्त दीक्षित द्वारा बताया गया कि खेल कूद मानव को प्रसन्न और उत्साहित बनाए रखते हैं। खेलों से नियम पालन के स्वभाव का विकास होता है एवं मन एग्राक होता है। खेल में भाग लेने से खिलाड़ियों में सहिष्णुता, धैर्य और साहस का विश्वास होता है तथा सामूहिक सद्भाव और भाईचारे की भावना बढ़ती है। प्रतिवर्ष नेहरू युवा केंद्र द्वारा इस तरह के आयोजन किए जाते रहे हैं। इस अवसर पर हरिओम ओमरे, अरविंद संध्या, प्रमोद त्रिछारिया, आलोक त्रिवेदी, विमल सत्यम, शाहिल सौम्य, नेहा श्रमाकांत इत्यादि उपस्थित रहे। महेंद्र नाथ पटेल और पुष्पेंद्र सर से वो भी उनके साथ आए। विजेता टीम रही है जनता इंटर कॉलेज खो-खो में बालक संवर्ग में। 9 बच्चे निकल के आ जाएं लाइन से और एक ग्रुपिंग भी होगी और आप लोग बैठ जाएं। अभी हमारे मुख्य अतिथि का आशीष वचन आप लोगों के समक्ष होगा। सर्टिफिकेट अभी नहीं, प्लीज बेटे। सर वॉलीबॉल अरे हो रहा हो रहा बड़े वाले मोमेंटो हैं ये अतिथियों के लिए। महेंद्र नाथ पटेल और पुष्पेंद्र सर से वो भी उनके साथ आए। विजेता टीम रही है जनता इंटर कॉलेज खो-खो में बालक संवर्ग में। 9 बच्चे निकल के आ जाएं लाइन से और एक ग्रुपिंग भी होगी और आप लोग बैठ जाएं। अभी हमारे मुख्य अतिथि का आशीष वचन आप लोगों के समक्ष होगा। सर्टिफिकेट अभी नहीं, प्लीज बेटे। सर वॉलीबॉल अरे हो रहा हो बालिका अभी नहीं हुई है, बालिका नहीं थी।